क्या कुछ हुआ, किस तरीके से आपके साथ पढ़ाई करता था और क्या कुछ हुआ, 20-25 दिन उसकी तबीयत कैसे खराब हुई, क्या कुछ हुआ? पढ़ाई अच्छे से करता था। हाँ। 20 दिन हम दोनों गए थे स्कूल। हाँ। फिर लंच में, लंच पूरे होने के बाद पानी पीने गए ना। हाँ। तब उसने मटकी में से पानी पी लिया। हाँ। फिर सर ने देख लिया, फिर सर ने मारा। उसकी तबीयत कितनी खराब है, क्या कुछ हुआ? कान में से खून आने लगा। फिर किस तरीके से तुझे इंद्र की याद आ रही है बार बार, किस तरीके से याद आ रही होगी ना अपने भाई की, छोटे भाई की याद आ रही है? क्या कुछ याद आती, कौन कौन सी बातें थी, तुमसे क्या कुछ करता था, क्या कुछ याद आ रही है? पढ़ाई में वो कैसा था, क्या कुछ था? पढ़ाई में ठीक था। अच्छा ठीक था। अच्छा घर में किस तरीके से रहता था, क्या कुछ कुछ याद आ रहा है इंद्र के बारे में, कौन सी बातें याद आ रही? खेलते थे किस तरीके से? अच्छे खेलते थे। हाँ। कितना दुख हुआ जब पता चला कि उसको इस तरीके से मार दिया है, थप्पड़ मार दिए, फिर अस्पताल में था, क्या कुछ हो रहा था, कितना दुख हो रहा था? क्या चाहता आप, तू भाई को न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ चाहता है? भाई को नहीं। सर क्या कुछ हुआ था? बिल्कुल जैसे कि आपको पता ही है, सोशल मीडिया पे हो रहा है। और जब इनके पिताजी से हमारी बात हुई थी, तब इनके पिताजी ने ये बताया था मेरे को सबसे पहले कि इनका बच्चा वहाँ स्कूल से भाग के आया था पिताजी के पास में, कैसा मेरे ये फलाना नाम टीचर था जिसने सेल सिंह बताया था, कैसे सेल सिंह ने थप्पड़ मारी थी। फिर उनको वहाँ ये भीनमाल लेके गए, भीनमाल से इनको रेफ़र किया, फिर वह पालनपुर गए, पालनपुर से रेफ़र किया, फिर उदयपुर से मेहसान हुआ, फिर लास्ट कॉल आया, ये घटना हुई है। तो सर मैं स्कूल गया था तो स्कूल वाले कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मटकी वाली बात नहीं है, छल सिंह ने थप्पड़ मारा था, दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही थी, इस तरीके की कोई बात है क्या? नहीं, मटकी है अंदर, ये बच्चा खुद साथ में पढ़ता है। हाँ। ठीक है, मैं तो स्कूल गया नहीं हूँ। हाँ। बच्चा साथ में पढ़ रहा है। हाँ। तो ये बच्चे आपको बता सकता है कि मटकी कहाँ पड़ी है, ये इसको पता है कि मटकी किस जगह पड़ी है? बोले अभी आप इसको साथ में लेके जाओगे तो ये बता देगा कि मटकी फलानी जगह पड़ी है। परिवार की क्या कुछ हालत है इसको? परिवार की तो आप देख रहे हो कितने गरीब फैमिली है, और जब से मैं आया हूँ रो रो के इनके बुरे हाल है। तो यही है सरकार से जो इनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए। देखिए ये परिवार है जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से इनके भाई की मौत हो गई है, पानी की मटकी को लेकर विवाद हुआ था, और उसके बाद में छेल सिंह का थप्पड़ मार दी थी जो शिक्षक थे, और उसके बाद में उसकी तबीयत बिगड़ गई, लगातार इलाज चल रहा था, यही वो भाई है जो उसके साथ में पड़ रहा था, इसका कहना है कि मटकी को लेकर ही विवाद हुआ था, बाकी तो पुलिस जाँच में ही बात सामने आएगी। दिनेश वोरा, जालोर।